चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, एक बार आप लोग पहुंच करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। देखिए, कह रहा है ए बी एंड सी स्पेंड, ए 80% एक्सपेंड कर रहा है अपने इनकम का, बी कितना कर रहा है 85%, और सी कितना कर रहा है 75%। तो ए का इनकम हम लोग ले लेते हैं, ए के इनकम को हम लोग कितना ले लेते हैं ए, और बी के इनकम को हम लोग ले लेते हैं बी, और सी के इनकम के हम लोग ले लेते हैं सी। तो ए जो है 80% अपने इनकम का खर्च कर रहा है, तो कितना बचाएगा, तो 20% बचाएगा। बी जो है 85% खर्च कर रहा है, तो कितना बचाएगा, तो 15% बचाएगा। सी जो है वो 75% खर्च कर रहा है, तो कितना बचाएगा, तो 25% बचाएगा। ये देखिए, ये ए का क्या आ गया आपका सेविंग, ये बी का सेविंग आ गया, और ये सी का सेविंग आ गया। इनका रेशियो ले लीजिए, इन तीनों का हमने रेशियो ले लिया, और यही रेशियो आपका दिया हुआ है कितना, 8:9:20, यही रेशियो दिया हुआ है 8:9:20। अब इधर देखिए, 20% मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी कर रहे हैं, तो 8 बटा कितना हो जाएगा 20, फिर यहाँ से 9 बटा, सॉरी यहाँ रेशियो लेंगे 9 बटा 15, रेशियो 20 बटा कितना हो जाएगा 25, तो 8 बटा 20, 4 से करिए तो 2 बटा 5, 3 से करिए तो 3 बटा 5, फिर 5 से काटिए तो 4 बटा 5। तो ए बी सी का रेशियो यहाँ पे आपका निकल चुका है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना निकला, 2:3:4, और ए और सी का डिफरेंस कितना है, 4 और 2 का डिफरेंस 2, 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 18,000 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 9,000। हमको क्या निकालना है, बी, तो बी कितना है 3, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 27,000 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। चलिए, थैंक यू।